बेंगलोर टू हैदराबाद टू मीट माई गॉड मेगा स्टार चिरंजीवी, एक उनके फैन आए हुए हैं यहाँ पे। ऑल राइट, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब। फिर से बहुत ज़्यादा बॉम होने वाला है क्योंकि मैं अभी शाम के टाइम हुए हैं 4-5 बज रहे हैं। सो अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल चाय पीने के रास्ते में निकला हुआ था। सो मुझे एक बहुत ही क्रेजी मूवमेंट दिखा, बहुत ही क्रेजी चीज़ दिखा, और आई नो आप थंबनेल और टाइटल थोड़ा बहुत तो समझे होंगे। चलो मैं आपको वहाँ पे फटाक से लेके चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है। चिरंजीवी आई एंड ब्लड डोनेशन कैंप है, आई मीन बैंक है, इसके बाहर मैं हूँ और यहाँ पे मेरे को क्या देखने के लिए मिला आप देखो। सो बेंगलोर टू हैदराबाद टू मीट माई गॉड मेगा स्टार चिरंजीवी, एक उनके फैन आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। तो इनसे अभी हम लोग कंप्लीट डिटेल लेंगे कि यहाँ पे कितने दिन लगे आने में, क्या हुआ, क्या सीन है इनका, क्या माइंड में है वो सब। ये भैया हैं जो बेंगलोर से हैदराबाद तक आए हैं चिरंजीवी सर से मिलने के लिए मेगा स्टार। सो अभी आप अपना एक बार एक्सपीरियंस बता दो, आपको मतलब क्यों आप इतने इनके बड़े फैन हो पहले वो बता दो। पहले से मैं उन लोगों का पिक्चर देख रहा था, हाँ, तो हर चीज़ में उनका वो मैसेज और डांस, हाँ, एक्टिंग, हाँ, इमोशन कुछ भी रहने दो, हाँ, वो अच्छा सा करता था ना, उसी लिए मैं उसका बड़ा फैन था। हाँ, मेरा एक कार्ज था, हाँ, उनको मिलने के लिए, हाँ, तो उसलिए मैंने बैंगलोर से साइकिल से इधर आया। तो ये उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, ये उनके मूवीज़ बहुत टाइम से देख रहे हैं ना भैया। हाँ, बहुत टाइम से मूवीज़ देख रहे हैं, उनके एक्टिंग करने का तरीका, ये सब उनको एटीट्यूड वगैरह उनका जो भी है इनको बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया, तो उनके लिए साइकिल से यहाँ तक आए। कितना किलोमीटर पड़ गया अभी आने में? 582 to 600 किलोमीटर टोटल ये साइकिल में है। साइकिल एक बार भी आपका कुछ डैमेज वैमेज नहीं आया, पंचर वंचर कुछ भी नहीं? चेन निकल गया था एक बार और पेडल टूट गया था। तो अभी भैया बता रहे थे कि ये इनका जो पैडल है ये बीच में एक बार रास्ते में टूट गया था, तो इसका वेल्डिंग कराना पड़ा, और जो चेन है वो सब तो निकला बहुत बार। कितना दिन लग गया आपको आने में भैया? 6.5 दिन लग गया। 6.5 दिन टोटल, मतलब 7 दिन मान के चलते हैं ना अभी हम लोग। 7 दिन तो क्या है कि रात में ज़्यादातर गाड़ी चला रहा था, हाँ, कम वो नींद किया, हाँ, ज़्यादा सा नींद नहीं किया, हाँ। तो आप सोते कहाँ थे भैया जब आ रहे थे 7 दिन को? तो एक दिन बस स्टैंड में सोया था, हाँ, और एक दिन ढाबा में सोया था, हाँ, एक दिन वैसे ही निकल के आ गया, हाँ, और एक दिन एक दो दिन 3 घंटा मैं पैदल तो टूट गया ना रात को, हाँ, उस दिन थोड़ा सा उधर ही घुस के सुबह उधर एक वेल्डिंग शॉप था उधर ही बैठ के उसको ठीक करा के चला गया। सो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करके ये उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं बस यहाँ से सामने से रोड से जा रहा था तो मैं देखा तो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। तो जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो उनको एक बिग शाउट आउट दो और चिरंजीवी सर तक ये वीडियो को पहुँचाओ, ताकि ये यहाँ पे आके अभी बाहर यहीं पे वेट कर रहे हैं। आपको आइडिया भी है कि आपको कहाँ मिलेंगे कुछ भी? आइडिया सभी है, हाँ, मैं तभी एक आदमी का वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, हाँ हाँ। तो मतलब मिलना फिक्स है, मिल जाऊँगा आपके से जाऊँ। आज अपने जर्नी स्टार्ट किए थे ना, सो अभी भी ये वहीं पे बैठे हुए हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, तो इनके साइकिल में उस समय भी ब्रेक नहीं था और अभी भी ब्रेक नहीं है, बिना ब्रेक के ही ये हाईवे में ऐसे आए हैं। कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं आया अभी आपको? कुछ भी नहीं, दिक्कत नहीं हुआ एक भी? और आप अभी वहाँ पे बेंगलोर में क्या जॉब करते भैया? बेंगलोर में मेरा फिल्म का डायरेक्शन में काम कर रहा था और मेरा ऑटो है और कारपेंटर काम कर रहा है। हाँ, तो भैया जो है फिल्म डायरेक्शन में काम करते थे, ऑटो और कारपेंटर, तीन चीज़ ना भैया? तो ये तीन की वजह से, हाँ, तो रुक गया, हाँ, और अभी ऑटो कारपेंटर दो भी, हाँ, तो अभी ऑटो और कारपेंटर चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से इनका जो फिल्म का काम था वो रुक गया है। सो एक भैया को मेरे तरफ से फुल सपोर्ट करो, आप लोग जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हो उनको ये वीडियो जो है ये चिरंजीवी सर तक पहुँचाओ, उनको इंस्टाग्राम में भेजो, उनको ट्विटर में ट्वीट करो, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे वो कितना प्रॉब्लम्स है। वैसे ये मिलेंगे तो वो सब बात भी बताएंगे उनको, लेकिन एक जो फैन एक्चुअल में जो मेहनत करते हैं, अपने रोल मॉडल है, जो उनके इंस्पिरेशन है, जो उनके हीरो हैं, उनसे मिलने के लिए जो एक फ़ैन मेहनत करते हैं, वो फ़ैन मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को। सो इसलिए मैं इनसे बैठ के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो खाना पीना कहाँ खाते थे भैया? खाना पीना होटल में खाता था। होटल में, अच्छा ठीक है। और खर्च कितना हो गया भैया यहाँ तक आने में आपको? खर्चा तो हो गया शायद एक 3,000 से 4,000। तो ऐसे साइकिल में आने में ज़्यादा खर्च होता है, अगर ट्रेन से आते तो कम पड़ता ना भैया, 300-400 रुपये में हो जाता है ना, तो ट्रेन से आने में सस्ता पड़ता है, लेकिन वो ऐसे अपने मतलब एक होता है ना उनके लिए कुछ करने का जुनून है इनको, तो इसलिए वो ऐसा करके आए। एग्जैक्टली भैया, और ये भैया का ये बैग है जिसमें बैग में सामान है भैया का, उसमें क्या क्या सामान है भैया? उसमें एक दो कपड़ा है, हाँ, और एक मैगजीन, दो कपड़ा और टूथब्रश और ब्रश, हाँ,
तो इतना सब सामान लेके भैया चले और वहाँ से 7 दिन में यहाँ तक पहुँच गए। अभी यहाँ से वापस भी साइकिल में जाएंगे ना? क्या है कि पैर दुखता है ना, अभी जाने के बाद में हॉस्पिटल शुरू हो जाए, जाने के टाइम पे हम बस या ट्रेन पकड़ कर चले। और ये साइकिल का क्या करोगे भैया फिर? साइकिल भी लेके जाता हूँ। अच्छा, बस में या फिर ट्रेन में? अच्छा, तो भैया जाने के लिए ट्रेन या साइकिल चूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसे में वहाँ जाके तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इनका जो मेन पर्पज़ था वो कर दिए वो। तो मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा शाउट आउट है भैया को, मेरे मतलब मेरे को खुशी मिला कि इतना कोई ऐसे करता है ना अपने लिए, मतलब मेरे लिए नहीं, चिरंजीवी सर के लिए किया इन्होंने, लेकिन मेरे को बहुत खुशी मिला। तो इसलिए मैं रुक के यहाँ पे आके इनके पास ये वीडियो बना रहा हूँ, और कोई मेरा पर्पज़ नहीं है वीडियो बनाने का। और एक चीज़ मैं अलग से आप लोग को बोलना चाहूँगा, ये जो देखा ना, मैं मुंबई में भी काफ़ी टाइम तक रहा, लेकिन मुंबई में जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनके फैंस के लिए, उनके लिए ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ये जो बात है ना टॉलीवुड में, जो साउथ के मूवीज़ में और जो साउथ के फैंस होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा शाउट आउट है। ये चीज़ आगे मैं यहाँ पे बहुत देखा कि फैंस, डाई हार्ड फैंस होते जो बोलते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे मैं आगे देखा। तो एक उनके भी भैया भी एक हमारे एग्जांपल है। तो काफ़ी बात की अभी हम लोग भैया से, और अभी मैं वीडियो को थोड़ा बंद करता हूँ और भैया से अपने से थोड़ा सा नॉर्मल जो बात होता है वो बात करते हैं। ये पूरा ऐसे वो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये आपको मैं दिखा दूँ, रुक जाओ एक सेकंड, साइकिल का हैंडल ऐसे कर देते हैं अपन। तो देखो साइकिल का हैंडल ही पूरा फ्री हो रखा है। सो ये भैया यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, और ये ब्लड डोनेशन बैंक के क्या है भैया, अभी चिरंजीवी सर शूटिंग में है क्या अभी? हाँ शूटिंग में है, अभी उसका सार आएगा। हाँ हाँ जाता हूँ और टाइम देता हूँ। हाँ हाँ सब आते। अच्छा अच्छा, तो इनको अभी एक दूसरे सर आएंगे, वो टाइम देंगे उनको, ये अभी अपने व्हाट्सअप से डिटेल भेजेंगे कि मैं इस टाइम पे आऊँ। तो आई नो काफ़ी लोग बिलीव नहीं करते हैं, बोलते हैं कि ये सब फेक होता है, चूटिया बनाते हैं लोग, बस यहाँ से वहाँ साइकिल में लिख के लेके आके बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आप लोगों को डाउट भी है तो उनसे मैंने फ़ोटोज़ लिए, और फोटो भी मैं साथ में अटैच कर दूँगा, हर एक मोमेंट का फोटो उनके पास है, तो फोटो भी सब मैं अटैच कर दूँगा। और मैंने खुद यार वो सब फोटो देखने के बाद, उनके चेहरे पर मैंने देखने के बाद ही वीडियो बनाया, अदरवाइज़ मेरे को क्या है, मैं क्यों बनाता वीडियो, है कि नहीं। लेकिन मेरे को वो चीज़ थोड़ा सा केयरिंग लगा, मेरे को थोड़ा सा चीज़ अच्छा लगा, मेरे को पर्सनली पसंद आया, इसलिए मैंने ऐसे करके उनके लिए एक वीडियो बनाया। और वीडियो बनाने गया था कि उनको थोड़ी बहुत अगर मेरे तरफ से हेल्प हो जाती तो मेरे को उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो मैं सोचा कि अपनी तरफ से कुछ भी जो भी हेल्प हो सकता है वो मैं कर सकता हूँ ना, तो ऐसा कुछ शॉट है। तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी अगली मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।